हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू विल गेट ओकेजनल नोटिफिकेशंस। थैंक यू। आज मैं आप सबके साथ ब्रेड कटलेट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो भी टूटे हुए ब्रेड से या फिर ब्रेड के बचे हुए किनारों से। कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि टूटी फूटी ब्रेड बच जाती है, इन्हें समझ नहीं आता कि इनका क्या यूज करें। जैसे इस तरह की ब्रेड मुड़ गई, या फिर ये किनारे निकाले, मैंने सैंडविच बनाए थे तो ये किनारे बच गए, ये नीचे की ब्रेड जो किसी काम नहीं आती। तो मैं इस तरह की ब्रेड से आपको कटलेट बनाना सिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं इसके मेन इन्ग्रीडियंट्स। ये ब्रेड मैंने ली है टूटी फूटी, लगभग ये 250 ग्राम्स होंगे। उबले आलू, ये दोनों इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। बाकी और इंग्रेडिएंट्स मैं ये आपको वीडियो में दिखाऊंगी। सबसे पहले हम इस ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे इस तरीके से, और फिर कटलेट बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड को मैंने तोड़ तोड़ कर छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब हम इसमें उबले हुए आलू मैश करके डालते हैं। इतने ब्रेड में लगभग 5 से 6 आलू डाल सकते हैं, या फिर बड़े आलू हैं तो आप 4 भी ले सकते हैं। आलू भी मसल लिए हैं, साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप के लगभग कॉर्नफ्लोर। ये कटलेट की बाइंडिंग अच्छी करता है। साथ ही साथ मैंने लिए हैं स्प्रिंग अनियन, जिन्हें बारीक चॉप कर लिया था। थोड़ी सी अजवाइन, कैरम सीड्स, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, क्रश की हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सब सामग्री को मिलाकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कटलेट का डो तैयार कर लेते हैं। मैंने कटलेट का मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसे बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि ब्रेड को बार बार मसलना पड़ता है, पर फिर एक बार ये अच्छे से हार्ड डो बन जाएगा तो फिर हम कटलेट बहुत टेस्टी बनेंगे। अब हम हाथों पे तेल लगा लगा कर छोटे छोटे कटलेट की शेप देकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने गोल गोल कटलेट बना कर रख लिए हैं। अब हम इन्हें गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे। तेल भी गरम हो चुका है, इनमें कटलेट डाल देते हैं। कटलेट को ज़्यादा धीमी आंच पर फ्राई नहीं करता, इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर सकते हैं। कटलेट फ्राई हो रहे हैं, इन्हें बस अब निकाल ही लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं और गरम गरम कटलेट को सॉस के साथ सर्व करेंगे। कटलेट को मैंने फ्राई कर लिया है, अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे और सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। कटलेट को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और आप देखिए ये कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितने ही टेस्टी कटलेट दिख रहे हैं। लेफ्ट ओवर ब्रेड के यूज़ का ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स के जरिए मुझे फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।